नमस्कार, मैं हूँ अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आपका अभिलाषा किचन क्वीन चैनल में। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी, मीठी बूंदिया, जो बहुत ही आसानी से घर पे बन जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। बिल्कुल पार्टी फंक्शन में जैसे हम लोग खाते हैं उस तरह से तैयार होते हैं घर पर, एकदम क्रिस्पी देख रहे हैं और स्वादिष्ट। ये हम लोग बचपन से खाते आए हैं, जब से हम लोगों ने होश संभाला तब से देखते आ रहे हैं कि सारे फंक्शन में ये बूंदी या मीठी बूंदी रहते हैं और बहुत चाव से बच्चे या बड़े खाते हैं इसे। तो आज मैं बताने जा रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आई होप कि आप लोगों के मुँह में भी पानी आ रहा होगा देखकर, और फटाफट आप लोग भी चाहेंगे कि बूंदी बनाए, मीठी बूंदी, और बच्चे बड़े सभी को खुश करें। तो आज बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी घर पे मीठी बूंदी कैसे बनते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी और टेस्टी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको मीठी बूंदी की रेसिपी। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए या मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे किसी भी रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको मीठी बूंदी कैसे बनते हैं घर पे आसान तरीके से। तो देखिए, बूंदी के लिए मैंने एक कप यहाँ पे बेसन ले लिया है। इस कप से देख रहे हैं, इसे अच्छे से छान लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती जाऊँगी और मिलाती जाऊँगी। अच्छा एक घोल तैयार करना है तो ऐसे मैं चम्मच के सहारे से थोड़ा 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 करके पानी डाल डाल के इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार करूँगी। देखिए इस तरह से मैंने बेसन का घोल तैयार कर लिया है, देख रहे हैं इस टाइप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसमें मैं एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दे रही हूँ, इससे बहुत ही क्रिस्पी बूंदी बनेगी, देख रहे हैं कितना अच्छा से तैयार हो गया। अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें तेल डाल दिया था गैस जलाकर, तो मैं इस चेक करने के लिए डाली हूँ कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं बूंदी का, बेसन का। तो देखिए हो चुका है, ऊपर आ गया है। अब मैं डालकर दिखाती हूँ आपको, इसको झंझरा बोलते हैं या छलनी जो भी बोले, ये हर घर में हर किचन में रहता है, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस पर आप बेसन का घोल ऐसे डालिए, देख रहे हैं ऐसे, देख रहे हैं बूंदे कैसे गिर रहा है। थोड़ा सा हल्का प्रेस कीजिए इसको, देखिए कितने अच्छे से बूंदे गिर रहा है। गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखिए, ज़्यादा हाई फ्लेम रखने से फिर जल जाते हैं बूंदी। तो देखिए ऐसे करके मैं डाल दूंगी, कितने अच्छे से मैं बूंदी तैयार हो रहा है। इस बात का ध्यान रखिए कि एक बार इसमें बूंदी डालने के बाद इस छलनी को धो लीजिए, नहीं तो फिर अच्छे बूंदी नहीं तैयार होते हैं। देखिए कितने अच्छे से मैं बूंदी तैयार हो रहा है, देख रहे हैं क्रिस्पी बिल्कुल। तो हल्का लाल कर लूँगी मैं, गैस लो टू मीडियम फ्लेम पे रखूँगी। अब मैं इस साइड एक और दूसरे साइड पैन मैंने ले लिया है, चढ़ा दिया है, इसको भी मैं ऑन कर दूँगी गैस को, देख रहे हैं। और इसमें मैं जिस कप से मैंने नापा था बेसन एक कप, उसी से मैं आधा कप ले लूँगी चीनी और आधे कप इसी से मैं पानी लेकर इसमें डाल दूँगी। तो देखिए इसी कप से मैं पानी डाल दे रही हूँ और इसको चलाते हुए अच्छे से चीनी को मैं मिला लूँगी, और चीनी घुल जाए तब तक मैं गैस जलाई रहूँगी। तो देखिए मेरा बूंदी तैयार हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में क्रिस्पी। इसे मैं निकाल लूँगी एक टिश्यू पेपर पे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो हो वो निकल जाए। और इस बात का ध्यान रखिए कि तेल से सारे बूंदी निकाल लें, नहीं तो अगर उसमें बच जाएगा तो वो जल जाएगा, ये सभी बूंदी निकालने के बाद ही दोबारा इसमें डालें। तो देखिए मैंने निकाल लिया, फिर से मैं दोबारा इसे छलनी को धो लिया है और इसमें फिर से डालूँगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि इसको धो के ही डालिए, नहीं तो फिर अच्छे से नहीं बनेंगे तैयार होंगे बूंदी। देखिए कितने अच्छे से बूंदी तैयार हो रहे हैं। इसका छोटा साइज का आप बूंदी तैयार करेंगे तो उसका लड्डू भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ मीठी बूंदी, देख रहे हैं कितने अच्छे से तैयार हो रहा है, बहुत आसानी से बन जाता है बूंदी। तो देखिए मेरा चीनी अच्छे से घुल चुका है चाशनी पानी में, चाशनी बन गया है। इसमें मैं डालूंगी एक पीस कलर,
येलो कलर, ऑरेंज देख रहे हैं, ये ऑप्शन है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। इससे कलर बहुत अच्छा आता है इसलिए मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, मैंने एक चम्मच लगभग लिया है इलायची बुक लिया है, इसे आप इसका पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही मैं ऐड कर दूँगी इसमें नींबू का रस, मैंने आधा चम्मच लिया है, आप चाहे तो विनेगर भी डाल सकते हैं। तो देखिए मेरा बूंदी पूरा छन चुका है, मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और देखिए यहाँ पे मैंने निकाल लिया, कितने अच्छे से मेरे बूंदी तैयार हो गए हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी है। मैं तोड़ के भी दिखा दूंगी आपको, देखिए कितने अच्छे से टूट रहे हैं, देखिए आवाज़ के साथ। अब मैंने यहाँ जो चाशनी तैयार किया था उसमें मैं इन सबको डाल दूंगी, देख रहे हैं पूरा मिला दूंगी इसमें। अब इस चाशनी में मैं इसको अच्छे से मिला दूंगी, मिक्स कर दूंगी और हाई फ्लेम पे मैं इसे पकाऊंगी ताकि अच्छे से इसमें चाशनी मिल जाए बूंदी में। मैं प्लेन ही बूंदी रखी हूँ, आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं, खरबूजे का बीज डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, मैं बिल्कुल प्लेन रखी हुई हूँ। देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है चाशनी में मेरे बूंदी। इसी तरह हमें पकाना है ताकि चाशनी अच्छे से सोख ले बूंदी। गैस को हाई फ्लेम पे ही रखना है। देखिए मेरा बूंदी पूरा मेरा सोख चुका है चाशनी को, कितने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, कितना अच्छा बूंदी लग रहा है, देख रहे हैं कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब मैं इसे ढक दूंगी, मैंने ढक दिया और गैस को ऑफ कर दूंगी और थोड़ी देर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब हो जाए पूरे बूंदी में, उसके बाद मैं सर्व करूंगी। देखिए कितना अच्छा मेरा बूंदी बनकर तैयार हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आई होप कि आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा इतना स्वादिष्ट बूंदी देख के। घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना लीजिएगा, बच्चे या बड़े सभी को बनाकर खुश कीजिए खिलाकर, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अक्सर हम लोग शादी पार्टी वगैरह किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो बूंदी ज़रूर, पूरी बुनिया ज़रूर मिलता है, बहुत खुश होते हैं खाकर, लगता है वाह कितना अच्छा बूंदी बना हुआ है। बचपन से ही हम लोग खाते आए हैं, हम लोग का डिश है पूरी, पूरी और बुनिया, जो हमेशा से बचपन से ही देखते आ रही हूँ हर फंक्शन में, तो पूरी बुनिया ज़रूर रहता है, बहुत चाव से सभी लोग खाते हैं। तो ये घर पे बहुत ही आसान तरीका से बन जाता है, इस तरह से बनाइए बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बहुत ही स्वादिष्ट तैयार होगा। देखिए बिल्कुल अलग अलग मेरा बूंदी है, सटा हुआ भी नहीं है, देख रहे हैं इतना क्रिस्पी भी बहुत है। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद।